चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। कार्तिक आर्यन के चंदू चैंपियन फाइनली आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले तारीफ बनती है इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक इतनी खूबसूरत फिल्म दी जिस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ ये फिल्म आपको लाइफ में मोटिवेशन भी देगी। वैसे भी दोस्तों साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में जितनी भी फिल्में बनती है वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट के साथ में कुछ ऐसा कंटेंट दिया जाए जो कि ऑडियंस के लिए कुछ नया हो। तो यहां पर साजिद नाडियाडवाला को सल्यूट बनता है जिन्होंने चंदू चैंपियन जैसे एक मास्टरपीस फिल्म को प्रोड्यूस किया। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की शुरुआत बूढ़े मुरली से होती है जो पुलिस स्टेशन में बैठकर कुछ पुलिस वालों को अपने अच्छे समय की कहानी सुना रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि आज से 40 साल बाद भी वो क्यों सरकार से अर्जुन पुरस्कार पाने का हकदार है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और वहां से शुरू होती है मुरली की जिंदगी, कैसे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का बचपन से ही भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, दारासी का दीवाना होता है और इसके लिए वो पहलवानी सीखता है, वो सेना में मुक्केबाजी की ट्रेनिंग लेता है और फिर वंडर बॉय फ्रॉम इंडिया बन जाता है। इस फिल्म में मुरलीकांत पेटिकर की कहानी के हर पहलू को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। बात करें एक्टिंग की, तो वैसे तो कार्तिक आर्यन हमेशा अपने रोल को बखूबी निभाते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए उनके ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर बाकी चीजों में भी उनकी मेहनत साफ नजर आ रही है। मुरलीकांत पेटिकर का किरदार निभाने के लिए कार्तिक ने अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर भी काफी काम किया और उनकी ये मेहनत रंग लगी है जो कि दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म के डायरेक्टर है कबीर खान और कबीर खान ने इस फिल्म का डायरेक्शन काफी अच्छा किया है। फिल्म में बॉक्सिंग रिंग वाले सीन और वार वाले सिक्वेंस का बेहतर प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही सिनेमाटोग्राफी भी काफी कमाल की है। फिल्म की कहानी आज से करीब 50-60 साल पुरानी दिखाई गई है और इसे पर पर्दे पर रियल दिखाने में वो पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। फिल्म का म्यूजिक काफी बढ़िया है, खास करके इसके गाने तो अच्छे हैं लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार है। स्टोरी भी अच्छी है, डायरेक्शन भी कमाल का है, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है इसका स्क्रीन प्ले। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना सॉलिड है कि फिल्म शुरू होती है, फिल्म खत्म हो जाती है जहां तक आपकी नजरें स्क्रीन से एक मिनट के लिए भी नहीं हटती, क्योंकि जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो आप इस फिल्म में पूरी तरह से खो जाओगे और जब फिल्म देखकर आप सिनेमाघर से बाहर निकलोगे तो ये फिल्म आपके साथ सालों तक आपके दिमाग में रहने वाली है। तो दोस्तों सही मायने में कहूँ तो यहाँ पर चंदू चैंपियन 2024 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, जिस फिल्म को आप पूरे परिवार के साथ बड़े पर्दे पर एंजॉय कर सकते हो। फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको लाइफ में इंस्पायर होने का एक मोटिवेशन भी ये फिल्म देती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 4 out of 5 star और आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर एक अच्छी फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को जरूर देखना, ये मूवी बहुत ही जबरदस्त है। दोस्तों अगर आपने चंदू चैंपियन फिल्म देख ली तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।